गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर सी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है लेंस का आवर्धन। तो देखिए, जब मैंने आपको दर्पण का आवर्धन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो आवर्धन होता है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी, और मैंने इसको बोला था एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई यहाँ पे किसको बता रहा है? इमेज को, इमेज यानी प्रतिबिंब, और यहाँ जो ओ है वो किसको बता रहा है? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी बिंब। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एच आई अपॉन एच ओ। अब देखिए, हम इस फॉर्मूले को डेराइव करते हैं, किसके लिए डेराइव करेंगे? हम लेंस के लिए। तो मैं सबसे पहले एक लेंस बना रहा हूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये कौन सा लेंस है, तो ये कौन सा लेंस है? यह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है कि वह किनारों से तो क्या होता है? पतला, और बीच में से क्या होता है? मोटा। ये इसका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, फिर भी अब आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट या बिंब की अगर आपको आप प्रतिबिंब बनाना है या उसकी इमेज लेनी है तो कम से कम उससे क्या होनी चाहिए? दो रेज पास होनी चाहिए। तो देखिए, मैं पहली रेज तो क्या भेजता हूँ? इसके पैरेलल भेजता हूँ, और आपको पता है पैरेलल रेज हमेशा किस पॉइंट से पास होगी? फोकस से। तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। और दूसरी रेज में क्या करता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देता हूँ, और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो पहली रेज तो मैंने क्या की, ये जो आपका प्रकाशिक एक्स है उसके समांतर भेज दी, और दूसरी रेज मैंने क्या की, प्रकाशिक केंद्र से पास करवा दी। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण तो सीधी निकल जाती है, और प्रकाशिक एक्स के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। अब दोनों देखो यहां पर मिल रही है, तो ए डेस बी डेस इसकी क्या बन गई? इमेज बन गई। तो एबी का ए डेस बी डेस क्या है? इमेज है, यानी एबी तो बिंब है और ए डेस बी डेस क्या है? इमेज। तो बताओ, मैं इसको एच ओ बोल सकता हूँ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तो है, और इसको मैं एच आई बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज, ये बिंब की ऊंचाई है, और ये किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो, मैं यहाँ पे दो त्रिभुज काउंट कर रहा हूँ, पहला त्रिभुज ओ ए बी, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ओ ए बी, और जो दूसरा त्रिभुज है वो है ओ ए डेस बी डेस। तो देखिए, ये तो रहा ओ ए बी और ये रहा ओ ए डेस बी डेस, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि देखो, एक तो इनमें ए एंगल देखो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए, ये ए डेस एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का। तो देखो, दोनों में एंगल सेम है। दूसरी बात देखो, ये जो एंगल है अगर मैं इसको थीटा मानूं और ये जो एंगल है थीटा मानूं, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं AA नियम से जो OAB है और OA'B' है वो दोनों क्या है? सर्वांगसम है। एक तो इनमें जो A एंगल है वो 90 है, तो यहाँ पे A' कितना है? 90। दूसरा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या है? बराबर। तो ये दोनों क्या है? सर्वांगसम। और आपको पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इनकी जो ये भुजा अपॉन ये भुजा और ये भुजा अपॉन ये भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए बी, अगर मैं ये भुजा ले रहा हूं तो फिर आपको ये भुजा लेनी होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ओ ए इज इक्वल टू, सॉरी, आपको अगर ये भुजा ले रहे हो तो आप इसे डिवाइड करो, ए डेस बी डेस इज इक्वल टू, पहले आपने ये साइड ली है तो फिर आप ये डिस्टेंस लो, कितनी दी हुई है? OA अपॉन यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? OA डेस। मैंने यहां पर आपको पढ़ाया था पहले कि अगर इस प्रकार अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो, तो ये भुजा अगर आप मान लो AB है, ये भुजा और ये भुजा अगर ए डेस बी डेस है, यहाँ पे बिंदु O है, तो मैंने क्या कहा था? AB अपॉन ए डेस बी डेस, AB अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू होगा OA अपॉन OA डेस। तो आप देखो, इन दोनों त्रिभुजों को कंपेयर कर लो, ये दोनों त्रिभुज इसकी तरह दिख रहे हैं, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भुजा अपॉन ये भुजा, ये भुजा अपॉन ये भुजा। अब मुझे बताओ, जो AB है आपका वो क्या है?
HO है, और ये क्या है, प्रकाशीय कक्ष के ऊपर की तरफ है। तो प्रकाशीय कक्ष से ऊपर की तरफ दूरियां कैसे ली जाती है, पॉजिटिव। नीचे की तरफ कैसे ली जाती है, नेगेटिव। और इसके जो लेफ्ट साइड तो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन, और राइट साइड कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र। तो आप दर्पण में तो हमेशा किससे मापते हो, पोल से, ध्रुव से, और लेंस में हमेशा किससे दूरी मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र से बीम की दूरी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। तो ये डिस्टेंस है यू। अब ये मुझे बताओ लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड, तो यू किसका आएगा, नेगेटिव। तो यू की जगह तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। दूसरी बात देखो, जो वी, वी क्या होता है कि प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये तो रहा प्रकाशीय केंद्र, ये रही वो दूरी, तो यहाँ ये दूरी कितनी हो जाएगी, वी। तो वी आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। दूसरी बात देखो, एच ओ क्या है, प्रकाशीय अक्ष के ऊपर की तरफ, तो ये तो किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का। और एच आई क्या है, नीचे की तरफ, तो किसका साइन आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो अब देखिए ए बी का मान कितना है, एच ओ, बताओ एच ओ प्लस होगा या माइनस होगा, ऊपर की तरफ है तो कैसा हो जाएगा, प्लस। ए डेस बी डेस क्या है, एच आई, और ये किधर है, नीचे की तरफ, तो किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव। एच आई इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए का मान कितना है, यू, और यू क्या है, जो लेंस है उसके लेफ्ट साइड है या राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव का। अपॉन जो बी है वो क्या है, राइट साइड है, क्योंकि ओ ए डेस का मान कितना है, बी, तो बी किसका आ जाएगा, प्लस का। लेकिन आपका देखो फॉर्मूला क्या कहता है, वो तो कहता है एच आई अपॉन एच ओ, तो ये तो है एच ओ अपॉन एच आई, तो उल्टा करना है इसका। तो देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, यहां से अगर मैं एच आई अपॉन एच ओ निकालूं तो क्या बी अपॉन यू नहीं हो जाएगा, और यही तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो जो लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ पे v क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, प्रकाशीय केंद्र से बिंब की दूरी। अब देखिए दूसरी चीज, यहां देखिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब ए कंडीशन को छोड़ के कैसा बनता है, वास्तविक। तो मुझे बताओ अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तभी तो वी का मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिबिंब आभासी होता तो देखो क्या होता, आभासी होने का मतलब आप जिस साइड ऑब्जेक्ट रखोगे या जिस साइड बिंब रखोगे उसी साइड क्या होगा, उसकी इमेज बनेगी। जैसे मान लो इस साइड आपने बिंब रखा तो इधर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मान लो आपको क्या मिल गई, इमेज मिल गई, ए डेस बी डेस। तो अब मुझे बताओ इस लेंस के लेफ्ट साइड ही तो ऑब्जेक्ट है, और लेफ्ट साइड ही क्या है, प्रतिबिंब है, और लेफ्ट साइड ही क्या है, इमेज है। तो बताओ दोनों का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बताओ वी का मान कैसा होगा, नेगेटिव नहीं होगा क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड है। इसका मतलब लेफ्ट साइड होने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए लेंस में हमेशा वी का मान आपको कैसा लेना है, नेगेटिव। और वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो लेंस के क्या बनेगा, राइट साइड बनेगा, और राइट साइड भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में वी को हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव, और आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में वी को हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। तो यह था मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता भी बोल सकते हो और लेंस की शक्ति भी बोल सकते हो। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से। और इसका जो फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन इस प्रकार दी जाती है कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। तो व्युत्क्रम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वन अपॉन एफ से। तो पावर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है डायरेक्टर, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेंस की पावर क्या होती है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी पावर कहलाती है। ये तो मान तब है जब फोकस दूरी आपको किस में दी हुई हो, मीटर में। अगर यही आपको सेंटीमीटर में दी हुई हो तो क्या आ जाएगा, 100 अपॉन फोकस। तो अगर मीटर में है तो 1 अपॉन एफ फॉर्मूला लगाओगे, और अगर सेंटीमीटर में है तो क्या लगाओगे, 100 अपॉन एफ। ये थी पावर ऑफ लेंस। अब देखिए क्वेश्चन, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला आपको उत्तल लेंस दिया है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा गया है, तो लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक नोट पढ़ाता हूं। आपको पता है उत्तल लेंस
या जो उत्तल दर्पण होता है ना, उनकी फोकस आपको हमेशा, उनकी फोकस कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो बताइए इस कंडीशन में अगर मैं आपको शक्ति पूछूं तो 1/f, अगर f का मान पॉजिटिव है तो बताओ p का मान भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपके पास उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। तो सिमिलरली मुझे ये बताओ, अगर आपके पास अवतल लेंस हुआ या अगर अवतल दर्पण हुआ तो उसकी फोकस कैसी होगी? नेगेटिव। तो उस कंडीशन में जो आपकी पावर है, शक्ति है, उसका मान भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की तो फोकस कैसी होती है? पॉजिटिव। अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस कैसी होती है? नेगेटिव। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। अब मैंने क्या कहा था, कोई भी जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो उसमें जो जो राशियां गिवन है तो आप सबसे पहले वो लिख लिया करो। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ, एक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस दिया है, और मैंने अभी भी बताया है उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है? पॉजिटिव। तो +20 सेंटीमीटर। दूसरी बात की सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा हुआ है, तो आपको पता है लेंस के प्रकाश के केंद्र से या जो आपके सिलेबस में है वो लेंस तो क्या है, बहुत पतले लेंस होते हैं, तो इससे क्या है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर कौन रखा गया है? बिंब रखा गया है। तो मुझे बताओ प्रकाश के केंद्र से बिंब की दूरी को आप यू से रिप्रेजेंट नहीं करते क्या? वही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। तो यू का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। बताओ प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो यू को आपको मैंने मिरर में भी बताया था, लेंस में भी बता रहा हूं कि आपको ऑलवेज कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि भाई आप ऑब्जेक्ट लेंस या मिरर के सामने ही तो रखोगे, तो जब लेंस या मिरर के सामने रखोगे तो देखो रेस तो इस डायरेक्शन में जा रही है, बट आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो कैसा आएगा? नेगेटिव शाइन आएगा। अब आपको पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात आपको किसका मान पूछा है? v का मान पूछा है। तो दो राशियां गिवन है और तीसरी राशि अननोन है। तो आप जानते हो लेंस सूत्र से 1/f is equal to 1/v minus 1/u, आपको क्या चाहिए? v। तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u। अब बताइए f का मान कितना है? 30, वो भी माइनस का, f का 20 है, तो 1/20 माइनस 1/30, यहां से लघुतम कितने आ गए? 60, तो कितना आ गया? 2 माइनस 3 माइनस 2, तो 1/60। ये किसका मान आया? ये आया 1/v का। तो अगर मैं v का निकालूं तो कितना आ जाएगा? 60, और मान किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में। तो देखो मुझे बताओ v का मान कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि v का मान पॉजिटिव किस कंडीशन में आता है? जब प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। अब अगर मैं इसके आवर्धन की बात करूं तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। लेंस का यही होता है। बताओ v का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है? ये माइनस मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि u का मान आपको ऑलवेज कैसा लेना है? नेगेटिव, चाहे मैग्निफिकेशन में हो चाहे मैग्निफिकेशन के बाहर हो। तो -30, तो m का मान कितना आ गया? -2। इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, उल्टा है, तथा बिंब का क्या है? दोगुना। मैंने मिरर में भी पढ़ाया था कि m की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? कंपैरिजनली होती है, यानी बिंब और प्रतिबिंब का अनुपात होता है। तो m का मान -2 का मतलब क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब हो बिंब से दोगुना है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन यह बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा आया? वास्तविक है और उल्टा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यानी आपके पास पतले लेंस है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आपको उनका क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है, यानी उनका ऐड करना है। तो देखिए मैं दो लेंस ले रहा हूं, ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। एक चीज ध्यान रखना कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो आपकी हेडिंग है पतले लेंसों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यानी पतले लेंसों का आपको ऐड करना है, और याद रखना इनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं इस लेंस को बोल रहा हूं L1 और इस लेंस को क्या बोल रहा हूं? L2। अब देखिए यहां पे मैंने कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा है O, ऊपर मैंने क्या रखा? एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा। तो अब मुझे बताओ ये कैसा माध्यम है? बाहर तो क्या है भाई? एयर है, और लेंस
के अंदर आपको बताया दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, उनके मध्य कोई पारदर्शी माध्यम भरा जाता है, जैसे मान लो कि ग्लास मान लिया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एयर के कंपैरिजन अगर आप किसी भी चीज को लोगे ना, तो हमेशा वो डेंसर होगी, एयर क्या होगी, रेरर। यानी एयर तो कैसा माध्यम है, वीरल, और ग्लास कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो बताओ प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, अगर मैं यहाँ से रेज भेजूं तो वो विरल से सघन में जाएगी। और आपको पता है जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। तो देखिए मैं यहाँ से कोई रेज भेज रहा हूँ, अब ये विरल से किस में जा रही है, सघन माध्यम से। अब इस पर जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी। तो मान लो ये यहाँ आ गई झुक है, और मैं यहाँ इसको बोल देता हूँ आई डेस, और मैं मान लेता हूँ इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, वी डेस है। अब देखो है ना, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे डिस्टेंस तो आप इस पॉइंट से मापो, चाहे इससे मापो, चाहे इससे मापो, चाहे इससे मापो, चाहे इससे मापो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि देखो मैंने हेडिंग में क्या ले रखा है, पतले लेंस, यानी इतने थिन होते हैं कि आप कहीं से भी मेजर करो वो एक ही बात है ना। तो सिलेबस में आपके जो भी है वो क्या है, थिन लेंसेज है, इसलिए डिस्टेंस का मतलब मैटर नहीं करता कि आप इस पॉइंट से माप रहे हो या इस पॉइंट से माप रहे हो। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, वी डेस, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या बोल दूं, यू बोल दूं। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना, यहां से हो चाहे यहां से हो, तो ये तो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस। एक बार है ना मैंने इस लेंस को बुला दिया, आप इसको भूल जाओ, आप केवल एक ही लेंस की बात करो, तो ये केवल पहले लेंस से ही बात है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि फॉर L1 लेंस, हिंदी में लिखे तो L1 लेंस के लिए, बताइए L1 लेंस के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो वो क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/u। अब आप मान लो कि जो पहला लेंस है उसकी फोकस F1 है और दूसरे लेंस की फोकस कितनी है, F2। तो मैं पहले लेंस की बात कर रहा हूं तो फोकस कितनी है, F1। तो F की जगह क्या जाएगा, F1 = 1/v। v क्या होता है, v होता है प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो प्रतिबिंब आपको कहां पर मिल रहा है, आई डेस पर, और यह रहा आपका प्रकाश के केंद्र, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, v डेस। तो क्या मैं v की जगह v डेस लिख सकता हूं, यस और नो, आगे बढ़ो। -1/u, u क्या होता है, प्रकाश के केंद्र से बिंब की दूरी, तो बिंब यहां पे ही तो है, तो बिंब की दूरी कितनी है, u। तो क्या आ गया, u। तो इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। अब मैं देखो सेकंड लेंस की बात करता हूं, अगर ये लेंस नहीं होता, एक बार आप भूल जाओ ये नहीं होता, तो यही तो होता ना कि ये जो प्रकाश की किरण है वो विरल से किस में जा रही है, सघन में, तो ये अभिलंब की तरफ बेंड हो जाती। बट अब मुझे बताओ यहां पर तो एक नया लेंस और मिल गया, तो ये क्या करेगा आप, और आप दूसरी बात, ये लेंस कौन सा है, देखो ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस को मैंने क्या कहा था कि ये अभी सारी लेंस भी कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये किरणों को मिलाता है, और अब सारी लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो ये क्या करेगा, इस किरण को और बेंड कर देगा। तो मान लो ये प्रकाश की किरण जब सेकेंड लेंस से अपवर्तित होगी तो यहां आ जाएगी, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, वी हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार चली जाती, बट यहाँ पर एक और लेंस है, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रेज को मिलाता है, कंजर्व करता है एक पॉइंट पे, तो ये इस रेज को क्या कर देगा, और ज्यादा बेंड कर देगा। तो जो आपकी फाइनल इमेज है वो कहाँ मिल जाएगी, आपको आई पर मिलेगी, और इसकी प्रकाश के केंद्र से डिस्टेंस किसी से भी ले लो, कितने थिन है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिस्टेंस प्रकाश के केंद्र से कितनी हो गई, वी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नोट लगा के एक बात लिखाई थी कि अगर आपके पास दो सरफेसेज हैं तो पहली सतह से जो प्रतिबिंब मिलेगा दूसरी सतह के लिए वो किसका काम करेगा, बिंब का। तो बताओ मुझे, ये तो पहला सतह के ना लेकर हम कहां यहां पे क्या ले लेते हैं, लेंस ले लेते हैं। तो बताओ पहले लेंस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये रहा पहले लेंस का प्रतिबिंब, वी डेस पर बन रहा है। तो पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का। तो जो यू हो जाएगा वो बताओ वी डेस नहीं हो जाएगा, क्या, क्यों, क्योंकि पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है, बिंब का। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर L2 लेंस, L2 लेंस के लिए फॉर्मूला तो वही, 1/f = 1/v - 1/u। अब बताओ सेकंड लेंस की फोकस कितनी है, F2 = इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, v पर ही बन रही है, माइनस u कितना है, v डेस, क्यों, क्योंकि पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए बिंब का काम करता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, v डेस। इसको दे देता हूं समीकरण 2। अब आप एक काम करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एड करो, तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2,
तो देखिए 1 क्या है, 1 अपॉन f1, और इस साइड क्या है f2, तो प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, याद देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश। तो देखो 1 अपॉन v डैश प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो यहां क्या आ गया 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। देखो ये किसका मान है, ये मान है 1 अपॉन f का, तो इसको स्टार इक्वेशन दे दो और लिख दो इक्वेशन स्टार से 1 upon f1 plus 1 upon f2 is equal to 1 upon f। ये कब होगा, जब आपके पास दो लेंसेज हो, अगर दो से ज्यादा होता तो बताओ ये फॉर्मूला इस प्रकार नहीं बन जाता क्या, कि भाई अगर आपके पास दो लेंस गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1 upon f1 plus 1 upon f2। उसी प्रकार अगर तीन लेंस गिवन होते हैं तो 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon F3। Similarly, अगर आपके पास n lens है, तो बताओ formula क्या हो जाएगा? 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus plus dash dash 1 upon Fn। तो अगर आपको n lens का combination पूछे, तो formula क्या जाएगा? 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus dash dash 1 upon Fn। अब मुझे बताओ आपने शक्ति का formula क्या पढ़ा था? P बराबर 1 upon F नहीं पढ़ा था क्या? तो बताओ 1 upon F की जगह मैं P लिख सकता हूँ। तो फिर बताओ सिमिलरली P1 का मान 1 upon F1 नहीं हो जाएगा, P2 का मान 1 upon F2 नहीं हो जाएगा, और Pn का मान 1 upon F1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि P क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो यहां से P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P1 plus P2 plus P3 plus dash dash plus क्या आ जाएगा, Pn। तो ये हो जाएगा कि अगर बहुत सारे आपको लेंस दिए हुए हो और पूछे कि उनकी क्षमता बताइए या उनकी शक्ति बताइए, तो क्या हो जाएगा, P1 plus P2 plus P3। इसी प्रकार यहाँ मैग्निफिकेशन का भी कभी कभार पूछा जा सकता है। मान लो पहले लेंस का मैग्निफिकेशन M1 है, दूसरे का M2 है, तीसरे का M3 है, तो जो उनका मैग्निफिकेशन होता है वो होता है M1 into M2 into M3 into dash dash into Mn। तो जो फोकस होगी वो तो हमेशा होगी 1 upon F की फॉर्म में, तो 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus plus dash dash 1 upon Fn। शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर P1 plus P2 plus P3 plus Pn, आवर्धन क्या हो जाएगा, M1 into M2 into M3। अब देखिए इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्लस 5d तथा माइनस 7d के दो आपको पतले लेंस दिए हैं, उनको आपने संपर्क में रखा है और बनाए गए लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, और साथ में आपको यह भी बताना है कि भाई जो लेंस है वो अभिसारी होगा या अपसारी होगा। तो देखो क्या क्या दिया है आपको, आपको लेंस की क्षमताएं दी हुई है, तो मैं P1 का मान मान लेता हूँ प्लस 5d, और P2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस 7d। क्यों, क्योंकि क्षमता या शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से। तो आपको देखो क्या कह रहा है, लेंस को संपर्क में रखा है, और आपका टॉपिक भी तो यही था पतले लेंस का संयोजन, तो वहां जो P का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, P1 plus P2 plus dash dash Pn आया था, बट यहां पर देखो कितने लेंस है, दो ही है, तो क्या आ जाएगा P1 plus P2। तो मुझे बताइए P का मान कितना हो जाएगा, प्लस 5d प्लस माइनस 7d, तो ये क्या माइनस 2d नहीं हो जाएगा क्या, तो P का मान कितना आ गया, माइनस 2d। d यहां पे क्या है, डायरेक्टर है ना। अब दूसरी बात, अगर मैं फोकस P बराबर क्या होता है 1 upon F, तो यहां से अगर मैं F पूछूं तो क्या हो जाएगा, 1 upon P नहीं हो जाएगा क्या, और अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो क्या हो जाएगा 100 upon P, तो 100 P कितना है माइनस 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 50 सेंटीमीटर। तो फोकस बताओ कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और मैंने नोट में क्या लिखाया था कि किस लेंस की फोकस हमेशा नेगेटिव होती है, आउटर लेंस की, और बताइए आउटर लेंस किरणों को फैलाएगा या क्या करेगा, एक पॉइंट पे मीट करवाएगा, फैलाएगा, तो ये कैसा लेंस हो जाएगा, ये लेंस हो जाएगा अपसारी। तो आपने पहले तो पावर निकाल लिया, पावर से आपने क्या निकाल ली, फोकस, तो फोकस अगर पॉजिटिव आती तो उत्तल होता और अभिसारी होता, बट फोकस कैसे आ रही है, नेगेटिव, तो लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल, और साथ में क्या नाम आ जाएगा, अपसारी। ये था पतले लेंसों का संयोजन। थैंक यू स्टूडेंट्स।